सो विधानसभा चोणां दे लई अज नामजदगी भरन दा चौथा दिन है ते दिग्गज आगू अज आपो अपने हलकियां दे विच जो है नामजदगियां दाखल करनगे जिन्हां दे विच पंजाब बसपा प्रधान जसवीर गढ़ी जो कि फगवाड़ा तो अकाली बसपा के सांझे उम्मीदवार ने वो अपना नामजदगी पत्र दायर करन जा रहे ने। इसे तरह के नाल भगवंत मान आम आदमी पार्टी के धूरी तो जो उम्मीदवार ने सीएम का चेहरा भी ने वो भी अपना नामजदगी पत्र दायर करन जा रहे ने। अज हम दस दिए कल तीजे दिन 176 उम्मीदवार ने अपनी नामजदगी दायर की सी हुण तक कुल 302 उम्मीदवार चो ने अपना नामजदगी पत्र भर चुके। 1 फरवरी जो है आखिरी तरीक है 20 फरवरी पंजाब दे विच चोणां होणियां ने 10 मार्च नतीजे ऐलाने जाने ने ते उस तो पहला नामजदगियां जो ने भरिया जा रही ने 1 फरवरी नामजदगी दायर करन दी आखिरी तरीक है। ते अज दिग्गज आगू जिन्हां दे विच पंजाब बसपा प्रधान जसवीर गढ़ी शामिल ने भगवंत मान शामिल ने वो आपो अपनी नामजदगी दायर करनगे। उधर थानू दस दिए कि कुछ जो कांग्रसी मंत्री बागी होए पे ने कांग्रसी विधायक जो बागी होए ने जिन्हां नूं टिकटां नहीं मिलियां या जिन्हां दे परिवार नूं टिकट नहीं दित्ती वो भी अपने परिवारक मैंबरां दे नाल आजाद तौर पर नामजदगी दायर करन जा रहे ने जिन्हां दे विच तृप्त बाजवा का नाम भी सामने आ रहा है। उधर अमृतसर पूर्बी हल्के तो नवजोत सिंह सिद्धू अज नामजदगी दायर करनगे। सो ये दिग्गज चेहरे ने भगवंत मान जसवीर गढ़ी जिन्हां दे वालों की नॉमीनेशन जो है फाइल की जाएगी। कल तीजे दिन कुल 176 उम्मीदवार ने अपने नॉमीनेशन पेपर जो ने फाइल किए सन। हुण तक 302 लोगों के वालों की जो है अपनी नामजदगी दायर की गई है जिन्हां दे विच दिग्गज आगू भी शामिल ने अकाली दल के आगू कांग्रेस के आप दे ते जो आजाद उम्मीदवार वजों भी चोणां लड़ रहे हैं वो भी नॉमीनेशन पेपर जो ने फाइल कर रहे हैं। विधानसभा चोणां दे लई नामजदगी भरन दा चौथा दिन है। तुहानूं दस दईए कि कोरोना दे करके जो है गिणती घट कीती गई है ज़्यादा लोगों नूं अंदर नहीं ले जा सकते कोई जुलूस नहीं कढ़िया जा सकता कोई वड्डा इकट्ठ नहीं किया जा सकता। गिणती दे 3 लोगों दे नाल अंदर जाके जो है SDM ऑफिस दे विच या रिटर्निंग अफसर दे दफ्तर दे विच जो है वह नामजदगी भरी जाएगी। तो इस बारे होर ज़्यादा जानकारी देने लई साडे सहयोगी मनीष साडे नाल जुड़ गए ने फगवाड़ा तो। मनीष गल की जाए अज पंजाब बसपा प्रधान जसवीर गढ़ी नामजदगी दायर करन जा रहे ने किन्ने क बजे का समा दस्या जा रहा है जदों अपना नॉमीनेशन फाइल करनगे? जी गुरप्रीत अज जिहड़ा जसवीर गढ़ी होना वालों अपना नामजदगी पत्र दाखिल किया जाना है जिहड़ा समा है 12 बजे तो बाद दस्या जा रहा है। खुद ही वो कहिंदे सारे पेपर अपने चैक करके उस तो बाद ही जिहड़ा अपना नामजदगी पत्र जिहड़ा दाखिल करवाने हो जाएंगे। कल गुरु का आसरा लिया उन्होंने पाठ करवाया कल भी पहला उन्होंने कल दाखिल करवाना लेकिन नहीं उन्होंने शनिवार कल जरा बलविंदर धारीवाल वालों अपने कांग्रेसी उम्मीदवार है उन्होंने अपना नामजदगी पत्र दाखिल करा दिता गया। अज जरा जसवीर सिंह गढ़ी उन्होंने 12 बजे तो बाद जरा अपना नामजदगी पत्र दाखिल करवाया जाएगा। जी मनीष जिस तरह के नाल कोरोना संबंधी हदायत भी दिखाई गई ने कि ज़्यादा उम्मीद जो उम्मीदवार है ज़्यादा लोगों को लेके ना आवे पर फिर भी जिस तरह नाल वो पंजाब बसपा के प्रधान ने तो जाहिर है कि लोग इकट्ठे होंगे की कुछ तैयारियां जो ने उत्थे देखने मिल रही ने? बिल्कुल उन्होंने जिहड़ा दफ्तर हैगा है वो रिटर्निंग अफसर दफ्तर तो कुछ ही दूरी पर बनया हुआ है जिसे उन्होंने ऑफिस के सारे जिहड़े वर्कर है उन्होंने समर्थक सपोर्टर है उत्थे इकट्ठे होंगे। उत्थों इकट्ठे होने तो बाद जिहड़ा 3 जिहड़े जिवें सरकार ने हदायतां चोन कमिशन ने हदायतां उसे मुताबिक 3 बंदे ही जिहड़े उन्होंने नाल होंगे जिहड़े रिटर्निंग अफसर के कोल जिहड़ा अपने नाम भी पत्र दाखिल कराने लई जाणगे। चोन कमिशन की हदायतों मुताबिक वो कहिंदे पालना पूरी की जाएगी ते 3 जिहड़े मेरे नाल होंगे उही अंदर रिटर्निंग अफसर के कोल अपने नाम भी पेपर दाखिल कराने लैके जाएंगे। जी 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 मनीष बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी दे लई। सो बसपा प्रधान जसवीर गढ़ी अपनी नामजदगी दायर कर रहे हैं। उधर थानू दस दिए कि भगवंत मान जो आम आदमी पार्टी वालों उन्होंने सीएम फेस ऐलाना गया वो भी धूरी हल्के तो अपना नॉमीनेशन अज फाइल कर